सीएनसी के टॉपिक C8 के अंदर सेवन ऑपरेटिंग मोड सीखेंगे। सेवन ऑपरेटिंग मोड देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला मैनुअल, ऑटो, एडिट मोड, MDI, रेफरेंस, ये हमारे मैनुअल मोड दो तरह के होते हैं, जॉब हैंडल। ऑटो मोड दो तरह के, सिंगल ब्लॉक ऑटो ब्लॉक, एक दो तीन चार पांच छः सात। तो ये सात हमारी सीएनसी मशीन में टोटल मुख्य रूप से सात काम होते हैं, सेवन काम होते हैं, जिसमें देखो सात काम, जिसमें जॉग मोड में छह काम होते हैं। एक काम हमारा किसमें होता है, जो जॉग मोड में नहीं होता, वो होता है रेफरेंस मोड में, मशीन होम पोजीशन। अब जॉग मोड में कौन कौन से काम होते हैं, पहला चेक क्लैंप, डी क्लैंप, चेक क्लैंप डी क्लैंप, स्पिंडल रोटेशन, क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज, तीसरा टूल चेंज, फोर्थ टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस, टूल एक्स और जेड एक्सिस में स्लाइड होता है। पांचवा टेलीस्कोप, फॉरवर्ड रिवर्स, और सिक्स लास्ट कूलेंट ऑन ऑफ। तो हमने जैसा बताया कि सीएनसी में सेवन ऑपरेटिंग मोड, सीएनसी में सात काम होते हैं, जिसमें जॉग मोड में ये छह काम होता है, चेक क्लैंप डी क्लैंप, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। हम मैनुअल मोड के अंदर जॉग मोड में हम क्या कर सकते हैं, चेक क्लैंप डी क्लैंप, स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, टूल चेंज, ट्रेड में इंडेक्स कराते ट्रेड को टूल चेंज होता है, टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस में टूल को हम स्लाइड कर सकते हैं जॉग मोड में, टेलीस्टॉक फॉरवर्ड रिवर्स, जब टेलीस्टॉक से पीस को सपोर्ट करना होता है तो जॉग मोड में हम टेलीस्टॉक को आगे और पीछे कर सकते हैं, और लास्ट छठा काम होता है कूलेंट ऑन ऑफ। तो ये था हमारा जॉग मोड। जॉग मोड में छह काम होते हैं, एक काम जो होता है मशीन होम पोजीशन, वो हमारा जॉग मोड में नहीं होता है, वो हमारा होता है रेफरेंस मोड में, मशीन रिटर्न टू होम पोजीशन। तो ये सात काम हुए। अब हम बात करेंगे हैंडल मोड। जॉग मोड में ये छह काम होते हैं, हैंडल मोड में बस एक काम होता है,
ये जो हमारा टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस है, यही काम हमारा हैंडल मोड में भी होता है बट विथ लिमिट। टूल स्लाइड एक्स एंड जेड विथ लिमिट, विथ लिमिट, लिमिट के साथ। तो जोड मोड, अब इसमें दिया रहता है एक्स वन, एक्स टेन, एक्स हंड्रेड, एक्स थाउजेंड, ये लिमिट दी रहती है। अगर हम एक्स में, यहां पे एक हैंडल होता है जिसको बोलते हैं एमपीजी, एमपीजी, एमपीजी मैनुअल पल्स जनरेटर। टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस विथ लिमिट, एमपीजी मैनुअल पल्स जनरेटर। इसमें हम हैंडल मोड को सेलेक्ट करते हैं, हैंडल मोड सेलेक्ट करने के बाद एक्स या जेड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम जितना घुमाएंगे एक एक एमपीजी को घुमाएंगे तो ये मैनुअली पल्स को जनरेट करता है और हमारे टूल को मूवमेंट देता है। अब सिंगल ब्लॉक, ऑटो मोड में दो बार सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक। सिंगल ब्लॉक में क्या होता है, प्रोग्राम रन वन बाय वन ब्लॉक, एक के बाद एक। जैसे ही हम साइकिल स्टार्ट की बटन दबाते हैं एक ब्लॉक प्रोग्राम रन करेगा, फिर अगेन स्टार्ट की बटन दबाएंगे तो एक ब्लॉक रन करेगा। तो जितनी बार साइकिल स्टार्ट की बटन दबाते हैं उतने ब्लॉक प्रोग्राम रन करते रहता है। इसके बाद आता है ऑटो ब्लॉक, ऑटो ब्लॉक, ऑटो ब्लॉक ऑटोमेटिक रन ऑल ब्लॉक, ऑल ब्लॉक। एक बार साइकिल स्टार्ट की बटन दबाओगे सारे ब्लॉक ऑटोमेटिकली रन करेंगे। तो जोग मोड में छह काम, हैंडल मोड में एक काम होता है टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड विथ लिमिट, सिंगल ब्लॉक में प्रोग्राम रन होता है एक एक ब्लॉक, ऑटो में एक बार स्टार्ट की बटन दबाओगे ऑटोमेटिक सारे ब्लॉक रन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एडिट मोड, एडिट मोड, एडिट मोड में चार काम होता है। पहला न्यू प्रोग्राम, इंसर्ट, नया प्रोग्राम इंसर्ट होता है, मतलब नया प्रोग्राम पढ़ता है। जैसा कि हमने C5 में आपको बताया था कि हम पीपीके को ऑन करते हैं, पीपीके को ऑन करने के बाद एडिट मोड सेलेक्ट करते हैं, तो नया प्रोग्राम किस में पढ़ता है, एडिट मोड में। दूसरा टू ऐड, प्रोग्राम के अंदर कुछ जोड़ना हो तो उसके लिए इंसर्ट की। तीसरा टू चेंज, चेंज के लिए अल्टर। और चौथा टू रिमूव, इसके लिए डिलीट। तो हमारे एडिट मोड में चार काम होते हैं, न्यू प्रोग्राम इंसर्ट होता है, नया प्रोग्राम डालना हो, टू ऐड, प्रोग्राम हमारा लिखा हुआ उसमें कुछ ऐड करना होता है, तो जो चीजें ऐड करनी होती है उसे हम टाइप करते हैं, टाइप करने के बाद हम इंसर्ट की दबाएंगे। तो जैसे N1 लिखा है, G40 लिखा है, G40 के आगे में G80 लिखना है तो हम कर्सर इस पे करेंगे और G80 टाइप करके, G80 या टाइप करेंगे, G80 टाइप करके इंसर्ट की दबाएंगे तो यहां पे ये G80 ऐड हो जाएगा। तो टू ऐड, ऐड के लिए इंसर्ट का यूज करते हैं, और चेंज के लिए अगर यहां पे G40 है और हमने यहां G80 लिख के अल्टर की दबा दिया, अल्टर दबा दिया,
अल्टर दबाया तो क्या होगा, यहां पे भी जीएटी। तो अल्टर का यूज करते हैं टू चेंज, चेंज के लिए, टू रिमूव गायब करने के लिए हम डिलीट की का यूज करते हैं। तो एडिट मोड में ये चार काम होते हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मोड एमडीआई। एमडीआई एमडीआई मैनुअल डेटा इनपुट। एमडीआई का फुल फॉर्म है मैनुअल डेटा इनपुट, मैनुअल डेटा इनपुट। अब एमडीआई के अंदर हम कौन कौन से काम कर सकते हैं इसको देखते हैं। तो एमडीआई के अंदर दो काम होता है, पहला टेम्पररी स्मॉल प्रोग्राम रन। एमडीआई में हम छोटा एक लाइन का प्रोग्राम, जैसे हमें टूल चेंज करना है तो हमने लिख दिया T05 इंडो ब्लॉक इंसर्ट, इसके बाद साइकिल स्टार्ट दबाओगे तो T05 टूल टरेट इंडेक्स करके 5 नंबर टूल आएगा। और ये प्रोग्राम देखो एक लाइन का है, छोटा प्रोग्राम, तो स्मॉल प्रोग्राम। और टेम्पररी इसलिए कहते हैं कि ये सेव नहीं होते, एक बार आप साइकिल मतलब स्टार्ट दबाओगे वो ऑपरेशन होगा, उसके बाद जैसे टूल चेंज हुआ उसके बाद प्रोग्राम हमारा ये टेम्पररी प्रोग्राम जो डाले हो आप T05 ये कैंसिल हो जाएगा ऑटोमेटिक, तो इसलिए कहते हैं टेम्पररी स्मॉल प्रोग्राम रन। दूसरा पैरामीटर की सेटिंग, पैरामीटर इसके एमडीआई के अंदर मैनुअल डाटा इनपुट के अंदर दूसरा काम जो किया जाता है मुख्य काम जो है वो पैरामीटर सेटिंग, पैरामीटर की सेटिंग की जाती है। जो हम पैरामीटर हमारे होते हैं कि हमारा जी कोड किस में चलेगा या हमारे मशीन में जो है फीड किस में पड़ेगी, एमएम में पड़ेगी, एमएम पर मिनट में पड़ेगी, एमएम पर रेवोल्यूशन में पड़ेगी, ये सारे पैरामीटर जो होते हैं जो मुख्यतः मेंटेनेंस डिपार्टमेंट काम करता है, तो ये पैरामीटर हम किस में सेट करते हैं एमडीआई मोड में। तो ये देखिए हमारा सेवन ऑपरेटिंग मोड, सेवन ऑपरेटिंग मोड के अंदर मैनुअल मोड, ऑटो मोड, एडिट मोड, एमडीआई और रिफरेंस। इसमें मैनुअल मोड दो प्रकार का होता है, जॉग और हैंडल, और ऑटो मोड दो प्रकार के होते हैं, सिंगल ब्लॉक और ऑटो ब्लॉक। और इस तरह हमारा जॉग मोड, हैंडल मोड, सिंगल ब्लॉक, ऑटो ब्लॉक, एडिट मोड, एमडीआई और रिफरेंस, ये सात मोड हो गए। सात मोड सीएनसी में टोटल मुख्य रूप से सात काम किए जाते हैं, जिसमें मैनुअली छह काम यहां किया जाता है, चक क्लैंप, डी क्लैंप, स्पिंडल रोटेशन, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, टूल चेंज, टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस, टेल स्ट्रोक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स, कूलेंट ऑन और ऑफ। तो और एक काम हमारा जॉब मोड में नहीं होता है, उसे हम किस में करते हैं रिफरेंस मोड में, मशीन रिटर्न टू होम पोजीशन। हम रिफरेंस मोड सेलेक्ट करते हैं, एक्स प्लस करते हैं और जेड प्लस करते हैं, मशीन अपनी होम पोजीशन जाती है। तो ये थे हमारे सेवन ऑपरेटिंग मोड, आपको पैनल पे ये ऐसे मिलेंगे। अब इनमें से जो काम आपको जैसे करना है उसके अकॉर्डिंग आप मोड का सिलेक्शन करोगे, जैसे हमें प्रोग्राम में कुछ चेंज करना है या नया प्रोग्राम डालना है या प्रोग्राम में कुछ ऐड करना है उस या कुछ डिलीट करना है तो हम एडिट मोड का यूज करते हैं। प्रोग्राम एक एक ब्लॉक रन करना है तो सिंगल ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे और साइकिल स्टार्ट दबाएंगे, एक एक ब्लॉक रन करेगा, और ऑटो मोड सेलेक्ट करके साइकिल स्टार्ट दबाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे प्रोग्राम रन करेंगे। अगर हमें कोई टेम्पररी प्रोग्राम रन करना है जैसे टूल चेंज करना है या चक्कर रोटेशन करना है, टेल स्ट्रोक, फॉरवर्ड रिवर्स करना है, ओनली वन ऑपरेशन, तो हम एमडीआई मोड टेम्पररी स्मॉल प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम हम एमडीआई मोड में रन करा सकते हैं, और ये टेम्पररी होता है, एक बार ऑपरेशन होने के बाद ये कैंसिल हो जाता है। जॉब मोड, जॉब मोड में हम ये छह काम करते हैं। रैपिड मोड, ये रैपिड मोड भी जॉब मोड की तरह होता है, बस इसमें एक काम होता है, टूल स्लाइड इन एक्स एंड जेड एक्सिस।
ये रैपिड काफी फास्ट चलता है। हैंडल मोड जैसा कि हमने बताया, हैंडल मोड में टूल लिमिट के साथ सकता है। रेफरेंस लास्ट जो होता हमारा रेफरेंस मोड, इसमें मशीन होम पोजीशन होती है। इसके बाद हम सेवन, ये सेवन ऑपरेटिंग मोड है। क्या है? सेवन ऑपरेटिंग मोड। इसमें देखो पहला मोड होता है जो एडिट मोड, एडिट मोड, सिंगल ब्लॉक, ऑटो, एमडीआई, रैपिड, जॉब, हैंडल, रेफरेंस। ये देखो सेवन ऑपरेटिंग मोड। लेकिन यहां पे देखो आठ मोड बने हुए हैं। इसमें एक ही रैपिड है जिसमें टूल हमारा रैपिड में चलता है, एक्स या जेड में काफी फास्ट चलता है। अब हम बात करेंगे एक एक मोड की, एक एक मोड की हम बात करेंगे। देखो जैसे एडिट मोड, एडिट मोड में क्या होता है, एडिट मोड में चार काम करते हैं, चार फंक्शन मशीन करती है। एडिट मोड में पहला काम होता है कि न्यू प्रोग्राम, जैसा कि हमने C5 में आपको बताया था कि एडिट मोड में ही नया प्रोग्राम पढ़ता है, तो न्यू प्रोग्राम पढ़ता है। दूसरा काम हो गया हमें प्रोग्राम में कुछ चेंज करना हो, प्रोग्राम में कुछ चेंज करना हो तो हम N2, तो अल्टर, तो इसमें कुछ प्रोग्राम, पहला नया प्रोग्राम पढ़ता है, दूसरा प्रोग्राम में कुछ चेंज करना हो तो हम लिख के अल्टर करते हैं, तीसरा प्रोग्राम में कुछ ऐड करना हो, जैसे देखो N3 इंसर्ट, देखो ऐड हो गया, या प्रोग्राम में कुछ डिलीट करना हो, चौथा काम जो होता है डिलीट। तो एडिट मोड में चार काम होते हैं। नेक्स्ट मोड सिंगल ब्लॉक, सिंगल ब्लॉक में क्या होता है, हम सिंगल ब्लॉक में करके अगर साइकिल स्टार्ट करते हैं तो हमारी मशीन एक एक ब्लॉक रन, प्रोग्राम एक एक ब्लॉक रन करता है। इसके बाद आता है ऑटो मोड, ऑटो मोड में करके अगर हम मशीन प्रोग्राम को रन कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारे ब्लॉक रन करेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं एमडीआई में क्या होता है, मैनुअल, एमडीआई का फुल फॉर्म है मैनुअल डेटा इनपुट, मैनुअल एम से हो गया मैनुअल, डी से हो गया डेटा, आई से हो गया इनपुट। इसमें जनरली दो काम होते हैं, एक तो पैरामीटर की सेटिंग होती है, एक तो पैरामीटर की सेटिंग होती है जो मेंटेनेंस के लोग करते हैं या हम करते हैं। दूसरी चीज होती है टेम्पररी प्रोग्राम को जाता है, इसलिए उसे टेम्पररी स्मॉल प्रोग्राम, जैसे टूल चेंज करना हुआ, चक घुमाना हुआ, मशीन होम पोजीशन करना, एक लाइन या दो लाइन के प्रोग्राम चलते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जॉग मोड, जॉग मोड में टूल रैपिडली मूवमेंट करता है। देखो जॉग मोड में रैपिडली जेड में गया, एक्स में गया, तो जॉग मोड में एक काम, रैपिड मोड में एक काम होता है रैपिडली, रैपिड टूल मूवमेंट करता है। और अब हम बात करते हैं जॉग मोड सबसे इंपॉर्टेंट मोड जो जॉग मोड है, इसमें 6 काम होते हैं। पहला चक क्लैंप डीक्लैंप, हम चक जॉग मोड में चक क्लैंप करते हैं और डीक्लैंप करते हैं। दूसरा स्पिंडल रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तीसरा टेल स्ट्रोक आगे पीछे। इसके बाद चौथा काम होता है टूल एक्स या जेड में स्लाइड होता है, देखो एक्स में या जेड में स्लाइड करते हैं। पांचवा काम होता है टूल चेंज के लिए, हम पांचवे में टरेट इंडेक्स करते हैं। और इसका जो लास्ट वर्क होता है छठवें में कूलेंट ऑन ऑफ। इसके बाद हम बात करते हैं हैंडल मोड, हैंडल मोड में टूल स्लाइड होता है, जॉग मोड की तरह हैंडल मोड भी है लेकिन इसमें एक ही काम होते हैं, इसमें टूल स्लाइड होते हैं एक्स और जेड में विथ लिमिट। जैसे देखो एक्स में किया, हैंडल मोड सेलेक्ट किया, अब देखो यहां से हम देखो यहां पोजिशन, ये देखो एक्स में देखो कम हो रहे हैं माइनस की तरफ, या जेड में एक बार पोजीशन अगेन दबाओ आप, जेड में अब यहां से सेलेक्ट करेंगे जेड में, तो टूल हैंडल मोड में टूल का मोमेंट एक्स या जेड में होता है बट लिमिट के साथ। यहां से हम लिमिट सेट करते हैं, अगर हम एक माइक्रोन पे कर दिए तो एक माइक्रोन, 10 माइक्रोन पे 10 माइक्रोन। इसके बाद लास्ट मोड जो होता है रिफरेंस मोड, इसमें मशीन होम पोजीशन जाती है। देखो हमने रिफरेंस मोड सेलेक्ट किया एक्स प्लस, मशीन होम पोजीशन एक्स में गई, देखो यहां जीरो हो जाएगा,
जेड प्लस मशीन होम पोजीशन। तो ये थे सेवन ऑपरेटिंग मोड, एडिट मोड, सिंगल ब्लॉक, ऑटो, एमडीआई, रैपिड, जॉब, हैंडल, रिफरेंस। ये सेवन ऑपरेटिंग मोड इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू।